चलिए तो हमारे साथ जुड़ गए हैं थावरचंद गहलोत जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उनके पास चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या 3 साल में जो वायदे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, 3 साल को लेकर जो लक्ष्य रखा गया था क्या वहां तक सरकार पहुंच पाई है, क्या सबके अच्छे दिन आए, क्या एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है। थावर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जे हिंदुस्तान पे। और सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा, क्या किसान गांव गरीबों के अच्छे दिन आ गए? लग रहा है 3 साल में विकास का खाका खींच दिया गया है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार ने 3 सालों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, आर्थिक दृष्टि से भी और भौतिक दृष्टि से भी। मेरे विभाग की बात अगर आप जानना चाहे तो मैं बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि मेरे विभाग में देश की 70 करोड़ आबादी के हित की योजनाएं हम संचालित करते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, किन्नर जाति, घुमंतू जाति, दिव्यांग वर्ग, ऐसा गरीब परिवार जो सामान्य वर्ग का है परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, नशे में लिप्त लोगों को नशा मुक्त कराना और भिक्षावृत्ति को रोकना आदि ऐसी अनेक समस्याएं, किन्नर समुदाय, हमने सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए, देश में समता और समरसता लाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जी, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के समान अधिकार दिए हैं। अब पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याएं सुनने का अधिकार उस आयोग को होगा। सिविल न्यायालय की जो नियमावली के अंतर्गत एससी आयोग और एसटी आयोग को अधिकार थे, वैसा ही आयोग को अधिकार मिलेगा। किन्नर समुदाय के हित संरक्षण के लिए हमने एक कानून बनाने का निर्णय लिया, विधेयक संसद में प्रस्तुत किया और लोकसभा ने उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा है। डी नोटिफाइड ट्राइब, जिसको हम घुमंतू जाति बोलते हैं, अभी तक उनकी ठीक से पहचान नहीं हुई, उनकी समस्या क्या है इसका अध्ययन नहीं हुआ है, उनकी संख्या कितनी है इसकी जानकारी नहीं थी, इस बात के लिए एक घुमंतू आयोग बनाया है। वो आयोग भी इनकी समस्याओं का अध्ययन कर रही है, समाधान के लिए जानकारी देगी, इनकी संख्या की भी जानकारी देगी। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का बना हुआ था, उसमें जो प्रावधान थे उसके कारण अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के जो प्रताड़ना होती थी, उत्पीड़न की घटनाएं होती थी, उनके साथ अन्याय होता था, ठीक से उनको न्याय नहीं मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध जो उनको अपमानित करने वाले होते थे उसका पहले वाले कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं था। और एक सबसे बड़ी दिक्कत उसमें यह थी, 10 साल से अधिक की सजा आईपीसी की धाराओं में जिसमें होती थी उसी पर वो एट्रोसिटीज एक्ट लगता था, बाकी धाराओं पर नहीं लगता था, इससे कम वाली पर। अभी हमने इसमें संशोधन करके उसको सुदृढ़ किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के हित संरक्षण में ये एक्ट बनने के बाद काफी सुधार दिखाई दे रहा है। इस एक्ट में हमने ऐसे अपराध लिए हैं जैसे किसी को निर्वस्त्र कर दे, किसी का काला मुंह कर दे, जूते की माला पहना दे, मुंडन कर ले और नग्न रूप से घुमाए, उसको अपमानित करे, शादी ब्याह में घोड़े पर बैठ करके दूल्हों को जाने से रोके, मंदिर प्रवेश के लिए कोई ऐतराज करे, इसके साथ ही साथ उनको चुनाव लड़ने से रोके, वोट देने से रोके, खेत खलियान में जहां उनका खेत है कारोबार करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए रोकने की कोशिश होती है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी हमने एक नया कानून बनाया है, वो कानून लागू हो गया है। पहले 7 श्रेणियां होती थी, अब उसमें 21 श्रेणियां हो रही है और वो 21 श्रेणी हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का दिव्यांग राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। इनके आरक्षण के प्रावधान में भी 3% की बजाय 4% किया है, शैक्षणिक आरक्षण भी दिया है। जी,
यानी आपका दावा है कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन आगे क्या लक्ष्य है इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जो बातें अभी बता रहे थे, जो बातें अभी हमने सुनी, लगता है इस डिपार्टमेंट में और ज्यादा काम करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, काम तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, ये तो मैं कह रहा हूँ। जितना हमारे मंत्री जी ने बताया, थावरचंद गहलोत जी हम लोगों के नेता रहे हैं और बहुत जम करके डट करके ये खासतौर से दलित शोषित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए काम भी कर रहे हैं, पर इन्होंने जो काम किया है जरा देखिए ना, लगातार इन्होंने 5 मिनट तक बताया कि हमने ये काम किए। ये काम पहले नहीं होता था यूपीए सरकार में जी। हकीकत ये, उस सरकार में भी ये विभाग था, उस विभाग के अलावा वो जितने काम थे वो तो चल ही रहे थे। इन्होंने लगातार ये नई नई स्कीमें बताई हैं, इसलिए मैं ये तो कह सकता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है वो बेमिसाल काम किया, लेकिन हमको पूरी इनकी सरकार की अमित शाह जी को सुन रहा था। और भी ज्यादा काम जो बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हर रोज 15 नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है इस सरकार में। उजा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, घोषणाएं तो तमाम करेगी जी। पर जो अभी गहलोत जी कह रहे थे, इस देश ने 60 साल में नहीं देखा कि किसी दलित की चमड़ी उधेड़ी गई हो, उसको मारा गया हो गौ रक्षक के नाम पे। जिस तरह की वारदातें हमारे देश में हुई है, चाहे गुजरात ऊना में हुई हो, नहीं आप नकार दीजिए कि ऊना में मैं नकार रहा हूं, दलित को नहीं मारा गया, की बात को छोड़ दीजिए, मैं स्वयं दलित वर्ग का हूं और मैं जानता हूं कि आप अपने शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में क्या क्या नहीं दलितों को सहन करना पड़ा। आप सुनने का धैर्य रखिए, आप लोगों की वजह से आज दलितों की हालत है। विजय जी, आपको मौका, विजय जी गए दलितों, विजय जी आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस के उसका विजय जी आपको मौका मिलेगा, पूरा जवाब दीजिएगा। ओझा जी, ओझा जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए। आओ जी, बोलिए। झूठ नहीं चलेगा। ऊना से लेके गुजरात, सारी चीजें एक्सपोज हो रही है देश के सामने तक। आज दलित वर्ग के साथ क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ है? और इन्हीं के आरएसएस के प्रमुख बार बार बयान देते हैं, यहाँ ये सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं दलितों को, और आरएसएस के प्रमुख बयान देते हैं कि आरक्षण सब खत्म कर देना चाहिए। चलिए, एक और विजय जी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। डायरेक्ट संबंधित हूं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, तमाम झूठ बातों का उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन शास्त्री जी, आपके पास आऊंगा मैं, एक और खास मेहमान मैं जरूर बताऊंगा, बिल्कुल जवाब लेंगे। एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास जरा चल लेते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ रहे हैं पटना स्टूडियो से, उनके पास चलेंगे। रिव्यू होना चाहिए, राजीव जी के पास चल लेते हैं। राजीव जी के पास सुनिए ना, राजीव जी के पास चल लेते हैं। जेडीयू से कद्दावर नेता है जेडीयू के, राजीव रंजन जी पटना स्टूडियो से सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान पर। मैं विवेक हूँ आपके साथ, और मेरा सवाल आपसे यही है, 3 साल के काम को किस तरह से देखते हैं आप, क्या आकलन करेंगे? आज बात हो रही है विकास के, कितना विकास हुआ देश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे वो सड़क के मामले में हो, एविएशन सेक्टर के मामले में हो, चाहे वो टेलीकॉम के मामले में हो, या फिर रेल मंत्रालय के मामले में, कितना विकास देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, 2014 के चुनाव के पहले जी, जब भी चुनाव होते रहे हैं, हर पार्टी ने अपनी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र को जारी किया, उन घोषणाओं पर कितना अमल हुआ ये आने वाले वर्षों में उसकी जानकारी जनता को मिली। इस बार अ पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा संकल्प पत्र है जी। और इसको हम, इसमें जो भी वायदे हम कर रहे हैं उनको जमीन पर उतार करके हम दिखाएंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस बार इस पार्टी ने देश को बुरी तरह से छला। जो बड़े क्षेत्र थे जहां उनसे उम्मीदें थी कि वो अपने वायदों पर खरे उतरेंगे, उसमें रोजगार एक बड़ा सवाल था, और लोकसभा में उनके ऑनरेबल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने खुद स्वीकार किया कि पहले के मुकाबले, पिछले वर्ष के मुकाबले 90% नौकरियों में गिरावट आई है। जो पिछड़े तबके के लोगों को उम्मीदें थी वहां भी 89% की गिरावट थी, और कुल मिलाकर के रोजगार को लेकर के जो निराशाजनक प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, उसका उस पर जो आरोप हमारी ओर से नहीं है, उनकी सरकार की स्वीकारोक्ति लोकसभा में है जी। अब वो MSP को लेकर के किसानों को जो एक भरोसा उन्होंने दिया कि हम जो लागत मूल्य है उसका दोहरा, हम उसकी कीमत हम
किसानों को देंगे समर्थन मूल्य के तौर पर, और एमएसपी को लेकर के भी एक बार देश फिर से निराश हुआ। पूरे देश में रेलवेज को लेकर के काफी उम्मीदें पैदा हुई थी, रेल बजट इन्होंने खत्म किया, आम बजट में एक पारा में रेल बजट सिमट करके रह गया, अलग अलग तरीके से रेल किराए बढ़ाए गए, सुविधाओं के नाम पर संरक्षा और सुरक्षा के सवाल पर पूरी तरह से प्रदर्शन बेअसर रहा, और पिछले दिनों ज्यादातर क्षेत्रों के निजीकरण की जो कोशिशें हैं रेलवेज में काफी बढ़ी हैं, लेकिन रेलवे में सुविधाएं नहीं हैं और लोगों का जाना ट्रेन के जरिए काफी महंगा हुआ है, और कई बार उन्हें वायु यात्रा से भी वायुयान यात्रा से कहीं ज्यादा उन्हें ट्रेन की टिकटों को फ्लेक्सी टिकट ऑप्शन के जरिए वो ज्यादा वो पे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो इनका अन्य चीजों को लेकर के भी भ्रष्टाचार को लेकर के उनके जो घोषणाओं को अगर आप देखेंगे, जो उनका संकल्प पत्र है जी, तो जिस तरह से व्यापम और छत्तीसगढ़ का जो खाद्यान्न घोटाला है जी, ये रोंगटे खड़े करने वाला घोटाला है, और इस घोटाले पर जो चुप्पी है वो शर्मनाक है। यानी कि राजीव जी, सीधे 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 शब्दों में अगर आपकी बात को मैं समझूं तो आपके पास आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है, और मेरे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी हैं जो आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। इस बीच अगर जनता से कोई सवाल करना चाहे तो वो भी सवाल यहाँ आपने रख सकते हैं। विजय जी से आप छोटा सा जवाब लेंगे, उसके बाद जनता के बीच चलेंगे जी। राजीव जी आपके पास वापस लौटेंगे, विजय जी से एक छोटा जवाब ले लेंगे। रंजन जी के प्रश्नों का बहुत सारे इन्होंने आरोप लगाए, बोगस आरोप जी। मैं इसका एक दो का जवाब जरूर दूंगा। जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, मैं कह सकता हूँ कि ये 3 साल हम लोगों का बेमिसाल इस बात के लिए था कि हमारी सरकार पर एक छोटा सा भी आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का, जबकि यूपीए की सरकार में केवल देश में भ्रष्टाचार का सीरियल देखा है। हर महीने में एक भ्रष्टाचार। लेकिन राजीव रंजन जो बातें कह रहे हैं ये कितना बड़ा झूठ है। अगर ये स्टेट मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उसका आज केंद्रीय सरकार पर चर्चा कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश या किसी स्टेट के विकास की बात करना चाहें तो उस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात को आप आवाज़ करके दबा रही हैं। ओजा जी, ओजा जी, इनका जवाब पूरा होने दें, फिर आपके पास दबा रही हैं। इनका जवाब पूरा होने दीजिए। जनता के बीच भी जाना, वक्त बहुत कम है। ओजा जी पूरा होने, जवाब पूरा होने दीजिए। रोजगार के बारे में जो राजीव रंजन जी ने कहा, मैं राजीव रंजन जी जैसे पढ़े लिखे लोगों को एक बात की चुनौती देता हूँ कि कम से कम ये लोग नौकरी और रोजगार में अंतर तो करना सीखें। नौकरी नौकरी होती है, सरकार कितनी नौकरी दे सकती है, तो लेकिन हमारी सरकार मत कीजिए बहन जी, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, आप गुमराह करना चाहती हैं। हमारी सरकार ने केवल मुद्रा योजना में जवाब पूरा, ओझा जी आपके पास आएंगे, आपके पास आ रहा हूँ, जवाब पूरा होगा, आपके पास आऊंगा। केवल मुद्रा योजना में 7.6 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में रोजगार दिया गया। कुछ सवाल ले लेते हैं, एक आदमी अगर एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया होगा साथ में रखा होगा। शुक्रिया विवेक, और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम बातें यहां पर रखी गई है, विपक्ष की तरफ से ओझा जी भी हमारे साथ में है, लेकिन जनता ये तय करेगी कि मोदी लहर को जब माना गया और उसके तहत भारी बहुमत के जरिए मोदी सरकार तय की गई, तो क्या ये 3 साल बेमिसाल रहे, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हम चाहेंगे कौन सवाल पूछना चाहेगा। सर, माय क्वेश्चन इज टू यू। आपने कहा कि किसानों के जो आत्महत्या के आंकड़े हैं कम हुए हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आंकड़ों की बात नहीं करता, अगर एक भी मरता है किसान उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, आपकी सरकार या आप पिछली सरकार पे आप डाल देते हैं। सवाल बहुत सही है कि एक किसान भी अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, उनका भी सवाल है, उनसे एक सवाल लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर भाजपा बहुत उभर करके आई थी कि महंगाई, वो मुद्दा आज गायब है, खाली उतरी महंगाई का मुद्दा। महंगाई एक और, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अनेक वायदे किए थे कि अगर हमारी सत्ता सरकार में आती है तो किसानों के दुख दर्द दूर करेगी, लेकिन भारत को कृषि प्रधान देश का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज ये किसान मुद्दा है और साथ ही बेरोजगारी मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा, महंगाई एक बड़ा मुद्दा। एक और सवाल, अभी बात कर रहे थे हम लोग आरक्षण की, ये हम लोग आरक्षण कितने साल तक चलाएंगे, हम इसको एक एजुकेशन पे लाके इसको क्यों नहीं हम सही करते कि इस आरक्षण को खत्म ही करा जाए
और सबको एक लेवल पर लाएं और सब लोग क्या इस बारे में सरकार सोच रही है इसका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ थावरचंद गहलोत जी बने हुए, एक छोटा सा सवाल मैं के लिए मैं उनके पास चलता हूं। ओझा जी ने कई सारे सवाल उनके दावों पर उठाए थे। थावरचंद गहलोत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक ऐसी जब बातचीत चल रही थी तो उसमें से एक सवाल निकल कर आया कि इस बीच ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आए, इस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं जी, वहां दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाओं में कमी आई है। और मैं ये और बताना चाहूंगा कि हमने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं को दूर करने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। अधोसंरचना के विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और इसके साथ ही साथ सद्भावनात्मक विकास करने का भी निर्णय लिया है। अंबेडकर जी से संबंधित जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु है उनको पंचतीर्थ घोषित किया है, जैसे जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, परिनिर्वाण भूमि और अंतिम संस्कार भूमि। ये काम पहले भी हो सकता था। अंबेडकर जी को सम्मान देने की महती आवश्यकता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उनकी जयंती 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पिछले साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उनके जीवन परिचय पर झांकी निकाली गई है। और मैंने जैसा बताया अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण जो कानून था 89 का, उसमें संशोधन करके इनके हित संरक्षण के लिए पुख्ता उपाय किए हैं और उन उपायों का लाभ मिल रहा है। जो भाजपा शासित प्रदेश है उसमें तो बहुत ज्यादा है। अभी यूपी में उत्तर नहीं आया कि इसका जवाब थावर जी से लेंगे, लेकिन बीच में कुछ सवाल ओझा जी, राज्यों में दलितों पर ओझा जी बीच में कुछ सवाल आए थे वो इनके पास से ले लेते हैं। दर्शकों ने विजय जी आपसे पूछा था कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, और किसान, एक किसान भी अगर मरता है तो वो एक दुख तकलीफ वाली बात है और उसका निवारण होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हमने पहले ही बताया था कि देश में किसानों की मौत, आत्महत्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। पर उनके आत्महत्या के कारण क्या है, उनका निवारण क्या है, इस पर सरकार ने बहुत गहराई से अध्ययन भी किया और उसके लिए रिकमेंडेशन दिया। अभी आप उत्तर पूरा नहीं देने देना चाहती हैं। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है, अगर आप लोग यही सब छोटा छोटा जवाब छोटा रखिए, जवाब छोटा। विजय जी, राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा जवाब। तीसरा, महंगाई के बारे में इंटरनेशनल तमाम एजेंसियां और हमारे देश की तमाम एजेंसियों को आप देख लें, महंगाई के बारे में उनका क्या टिप्पणी है। पेट्रोल डीजल की बात पे आ जाइए, आप पेट्रोल डीजल में उनके प्रश्न का, जनता के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। $17 प्रति बैरल था, आज महंगाई दर यूपीए सरकार में $47 प्रति बैरल है, परसेंट से अब पेट्रोल और डीजल के भाव उस अनुपात में गिरे हैं। आज 3.4% महंगाई है, रह गई है, यानी कितना महंगाई कम हुई है आप कल्पना कर सकते हैं कि 80 रुपए किलो दाल मिल रहा है, ये सच्चाई है। 200 रुपए किलो दाल मिलता था, लेकिन आज हमारे देश में 80 रुपए किलो दाल मिल रहा है। राजीव जी को सवाल उठाना चाह रहे थे, विजय जी अगर आपका जवाब पूरा है सवाल ले दो। राजीव जी आपका सवाल क्या था, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? महंगाई के संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूँ, महंगाई को लेकर क्या रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई को लेकर के मैं बात कहना चाहूंगा। 2011 से लेकर के 2017 के बीच के 5 वर्षों के बीच जो सीपीआई हाईएस्ट पर है, जो मूल्य सूचकांक, और अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, विजय जी कुछ फैक्ट बता, आपने कोई सवाल मुझसे पूछने के लिए कहा है? हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए, आप सुन रहे हैं। देखिए मैं ये सीधी बात पूछ रहा हूँ विजय सोनकर शास्त्री जी से और थावरचंद गहलोत जी से कि अगर महंगाई को लेकर के आपका कोई सकारात्मक प्रयास है, आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि आपने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसलिए कि जो
प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो हाईएस्ट है 2016 में रजिस्टर हुआ 131.6 और वो लोएस्ट था यूपीए की सरकार में 2011 का। अब इसके साथ जो दूसरी चीजें हैं ये G20 जो दुनिया के 20 बड़े देशों के बीच जो कंपैरिजन है उसमें हिंदुस्तान राज्य के बाद जवाब सवाल पूरा। महंगाई को लेकर के जो आपके दावे हैं आंकड़ों में भी आप पिछड़ रहे हैं और आम लोगों के लिए जो और जो उनकी जरूरत की जो चीजें हैं चाहे वो गैस सिलेंडर हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो वो सब काफी महंगे हैं। ये सब महंगाई से राहत दिलाने का महंगाई की डायन से मुक्ति दिलाने का और इस शब्द को कई जगह आपने दोहराया इसके बाद आज महंगाई का जो जवाब आम आदमी झेलने के लिए रिवर्स है और आपके पास क्यों जवाब अवधेश जी आपके सवाल पे सवाल राजीव जी अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ आपके सवाल पे कुछ कहना चाह रहे हैं अवधेश जी बताइए। देखिए सबसे पहला तो यह है कि महंगाई भले घटे बढ़े लोगों का अनुभव जो हो लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो जब ये सरकार आई थी 6.01% जो है महंगाई तो अभी इस समय ये सवाल आपका मुझसे है तो मेरा जवाब ले लीजिए। महंगाई बढ़ी भ्रष्टाचार हुआ दुनिया में देश विदेश के नाम गिरी दुनिया कहने लगे कि भारत में काम नहीं हो रहा है। आज जनता से इतना हुआ कि लोगों का विश्वास हो गया तेल का भाव चर्चा काफी गर्म होती जा रही है। मैं थावर जी को इसमें जोड़ना चाहूंगा जितने लोग यहां बैठे बोले जितने लोग यहां बैठे के बीच में कुछ सवाल है दर्शकों के बीच से सवाल ले लेता हूँ ओझा जी माहौल काफी गर्म हो चुका है एक सवाल मैं बीच से ले लेता हूँ जवाब ही नहीं दर्शक के बीच से एक सवाल बताइए महंगाई कितनी कम हुई महंगाई बताइए 2014 से आज भी सस्ता है पेट्रोल आपके ये नमो का मुकद्दर है ना ये 2014 से आज भी सस्ता है पेट्रोल अच्छा बहुत पेट्रोल डीजल सस्ता है क्रूड ऑयल के भाव के जो रेट होते हैं पहले 140 था आज 70 रुपए है ये यूज होता है डीजल और पेट्रोल यूज होता है क्रूड ऑयल नहीं होता है क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनाते हैं विजय जी आपके पास।